चितपत संभल के बनियाखेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत केथल में डीएम और एसपी ने ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित कर चुनाव के दौरान शराब और पैसे बांटने वालों पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी है। जनपद संभल के चंदोसे के बनियाखेड़ा विकास खंड की ग्राम पंचायत केथल में डीएम और एसपी ने ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें आगामी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों से बातचीत की गई और उनको बताया गया कि चुनाव के दौरान शराब और पैसे बांटते हुए कोई भी पाया गया तो उस पर और उसके समर्थकों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। होता है, मैं बहुत डराने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सही बात है, जो होने वाला है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जरा सा भी झगड़ा होता है तो जितने का झगड़ा होगा उससे बढ़ के कार्यवाही होगी। मतलब समझ रहे हैं कि अगर छोटा मारपीट होती है तो उसमें 325-326 लिखवाया जाएगा, ज़्यादा मारपीट होती है तो उसमें हमें 307 लगाना पड़ेगा, और आप लोगों की अगर कोई गांव में गुंडागर्दी थोड़ी बहुत करता मिलता है उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्यवाही होगी, जिला बदर होगा। तो अभी तो चुनाव निकल जाएगा एक महीने में और वो 6 महीने के लिए जिला बदर हो जाएगा, यहाँ आ नहीं पाएगा, आया तो फिर जेल जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, कहीं पर अगर कोई शराब बांटने का, स्पेशली इन चीज़ों के लिए कह रहे हैं कि शराब बांटने का या फिर पैसा बांटने का अगर कोई मामला आता है तो प्रत्याशी के साथ के 4 लोग और उनके परिवार के 2 लोग, इतने का हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया है, प्रत्याशी के सहयोगी 4 और परिवार के 2, तो कुल मिला के 7 लोगों का ये काफिला जाएगा जेल अगर कहीं पे कोई पैसा बांटने की या इसकी अगर कोई शिकायत आती है। तो शिकायत अगर किसी को करनी है, कोई आपका विपक्षी बांट रहा है पैसा या कोई ऐसी गलत काम कर रहा है, तुरंत आप थाने पर सूचना दीजिए, 100 नंबर पर बताइए। लेकिन आप बताते हैं नहीं बताते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास जानने के बहुत सारे सोर्स हैं, कहीं अगर आप पकड़े गए इस तरह की कोई हरकत करते हुए तो उसमें आपके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चुनाव तो आपका रह जाएगा पीछे, आप दूसरी समस्याओं में फंस जाएंगे। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़े। आप लोग अपना शांति से जो नियम है उसके अनुसार आप लोग अपना चुनाव पूरा सम्पन्न कराइए।